ऑब्वियस खिचड़ा सबने खा लिया है और अभी सब थक कर बैठे हैं और आज आप हालत देखिए क्या हो गई। ऑब्वियस बारिश बहुत तेज़ आ गई है इसलिए यहाँ से सारी कुर्सियाँ हम लोग समेट रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं बारिश कितनी तेज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी घड़ी में बज रहा है 1 और मैं रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ घर पर। घर पर आज खिचड़ी की दावत है, हलीम बन रहा है और जैसे सबको पता है कि मुहर्रम की न्याज तो सभी दिलाते हैं तो अभी मेरे भाई के घर पर भी न्याज है और खिचड़ा बन रहा है जिसे हम हलीम भी कहते हैं। तो बस उसी की दावत में मैं अभी जा रही हूँ और घर पे क्या इंतज़ाम है वो तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो बच्चों की अभी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, अल्तमश को फीवर आ गया है। अल्तमश की आई फ्लू ठीक हुई तो मैंने आपको दिखाया, माहीन को हो गई थी और आज हयात भी स्कूल नहीं गई हैं, हयात को भी आई फ्लू हो गया है और बच्चों के कल से यूटी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा इस टाइम तबीयत ख़राब में चल रहे हैं, आइस से भी बच्चे प्रॉब्लम में हैं, बुखार भी आ रहा है। तो बस आज का व्लॉग क्या रहेगा वो तो घर चलकर आपको दिखाऊंगी मैं। फ़िलहाल तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे भी। बस मैं अभी निकल रही हूँ क्योंकि घर से भी कई बार फ़ोन आ चुके हैं। बस मैं अभी रेडी हो रही थी तो बच्चों की स्कूल की भी तैयारी कर रही थी तो इस वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई, अब मैं निकलती हूँ। और न्याज तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सालों से दिलवाई जाती है, मेरे पापा और बड़े पापा दोनों हर साल 9 तारीख को हमारे यहाँ रात को खिचड़ा बनता था और 10 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह सबको खिलाया जाता था। तो माशाल्लाह भाई लोग भी वही सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, पापा जो करते थे पापा भी हमेशा न्याज दिलवाते थे, लेकिन अभी जो है 10 तारीख को इस बार हमने ना दिलाकर हम आज दिलवा रहे हैं। तो बस आगे के क्लिप्स जो भी होंगे वो घर के होंगे। तो अभी हमने इस गर्मी से तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है और न्याज के भी सारे क्लिप्स मैं आपको घर के दिखाऊंगी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, सब जगह न्याज होती है और लंगर भी हुआ था, वो क्लिप्स भी मैंने सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हमारी गली में जो मेरी अम्मी का घर है वहाँ पर लड़कों ने सारे पैसे कंट्रीब्यूट करके माशाल्लाह बहुत बड़ा लंगर किया था, अगर उसके क्लिप्स मुझे भाभी के फ़ोन में मिले तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लंगर रहा घर का। और यहाँ पर अभी लाइट मेरे पास फेस पे ज़्यादा पड़ रही है तो वीडियो थोड़ा अजीब सी आ रही है। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ, चलती हूँ घर पर, आगे के क्लिप्स इंशाल्लाह घर के होंगे हमारे। चले हयात? हाँ। चलो हयात। Stop everything. तो व्यूअर्स अब मैं गली में पहुँच चुकी हूँ और जैसे ही मैं एंटर हुई देखा तो खिचड़ा यहीं पर ही बन रहा था क्योंकि अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हर साल यहीं पर बनता है। तो बस अभी हम चलते हैं घर पर और आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही गली में एंटर हुई मंशु हमारा ऊपर से वेट कर रही हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मंशु हमारा वेट कर रही है। क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम में मल काट रही हो? क्या था आप चलने लगा? मेहर को चलना आया, आ जाओ जल्दी आ जाओ, पप्पा को चल के दिखाओ। अरे वाह, अरे वाह, पापा को देख के कितना खुश हो रहा है, खुश हो गए। मैर अब खुश हो गए। आज के सारे बच्चे अपने पापाओं को ही पकड़ रहे हैं, मम्माओं को फ्री रख रहे हैं। आई फ्लू हो गया क्या? सबको आके दुख रहे हैं।
यहाँ जब भी आ रहे हैं मौलाना साहब नमाज पढ़ रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पर डिस्पोजल वाले बाउल मंगा लिए हैं, स्पून है और ये ग्लासेस वगैरह भी मंगा के रख दिए हैं। और यहाँ पर जो है टेंट लगवा दिया है कि धूप ना आए, और यहाँ पर टेबल और चेयर भी लगवा दी गई है। तो अभी यहीं पर ही सबको खिचड़ा खिलवाया जाएगा। लो बच्चों खा लो न्याज की। तो व्यूअर्स न्याज हो चुकी है, अब सबको जो है खिचड़ा खिलवाने के लिए जा रहा है। तो व्यूअर्स सब खिचड़ा खाने के लिए रेडी हो गए थे, और बहुत तेज बारिश आने लगी है और हवा भी बहुत ठंडी चल रही है, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। बारिश बहुत तेज आ गई है, इसलिए यहाँ से सारी कुर्सियाँ हम लोग समेट रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बारिश कितनी तेज आ रही है, और जल्दी जल्दी समेट कर अंदर जाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, साइड हो जाओ साइड। बारिश ने सारा काम खराब कर दिया, बारिश ने सारा काम किया, और तेज हो गई बारिश। हाँ और तेज हो गई। तो व्यूअर्स जैसे मैंने आपको दिखाया था कि खिचड़े का इंतज़ाम बाहर खाने का था, लेकिन बारिश की वजह से अभी जिस जिसको जहाँ जगह मिल रही वो वहीं खिचड़ा खा रहे हैं। तो थोड़े यहाँ पर खा रहे हैं, थोड़े बाहर खा रहे हैं, और थोड़े नीचे खिचड़ा खा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? भोलू। अच्छा भोलू कुछ खाना नहीं खाएंगे? नहीं खाता भोलू खाना? भोलू भूखा रहता है? अच्छा क्या खाता है भोलू? अप्पा खाता है और ब्रेड खाता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उमर की और एक दूसरे बच्चे की साथ में कितनी लड़ाई हो रही है इस चिप्स के पीछे, और मुझे काफ़ी अच्छा मोमेंट लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि छोटे बच्चे भी अपनी चीज़ों के लिए कितना ज़्यादा लड़ते हैं, और सच में ये बहुत ज़्यादा फनी था। कहाँ है फोन उसके पास? तो व्यूअर्स माशाल्लाह सब लोग बड़े आराम से खिचड़ा खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि अभी बारिश की वजह से ज़्यादा लोग नहीं थे, तो सब जितने भी थे सब ने आराम से खाया। आलमीन जुबैर ने सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया, और वो कह रहे हैं मैं पूरे टाइम घूमूंगा। बहुत परेशान कर रहे हैं आज। खिचड़ा सबने खा लिया है और अभी सब थक कर बैठे हैं, और आज आप हालत देखिए क्या हो गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बारिश भी हो गई, और उसके बाद और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, और अभी सब रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं। तो व्यूअर्स खिचड़ा वगैरह ओवर हो गया था, और मुझे घर भी जाना था क्योंकि बच्चों को नेक्स्ट डे स्कूल था। तो भाभी लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं सबा बहन आप डिनर कर ही जाएंगी। तो उन्होंने जल्दी से बिरयानी बनाई, और माशाल्लाह बहुत टेस्टी थी। मेरी नवासी है।
कह रहे हैं दादी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है दादी। तो व्यूज ये 10 मुहर्रम के क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि अम्मी की गली में लंगर हुआ था, तो बस ये क्लिप्स वहीं के हैं। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था, सब लोगों ने मिलके कंट्रीब्यूट किया था, और दाल रोटी का इंतज़ाम था। और आप देख सकते हैं कि ये सारे लड़कों ने मिलके सारा इंतज़ाम किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला ने तरक्की दे, कामयाबी दे, और इंशाल्लाह अगली साल ये इससे भी बड़ा लंगर करें, और अल्लाह ताला इनकी जो नियत है नियाज की वो भी कबूल करे, और सबको अल्लाह ताला नियाज और नज़र करने की तौफीक अता फरमाए। और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा काफ़ी अच्छा लंगर था। तो बस आप लोग के लिए मैंने वीडियो अरेंज किया है, और आप लोग इसे देखिए। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था। तो व्यूअर्स अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, और मैंने वीडियो की एंडिंग भी नहीं ली थी। माशाल्लाह सबने बहुत अच्छे से खिचड़ा खाया, लेकिन बारिश हो गई थी, इंतज़ाम थोड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और व्यूअर्स एक और न्यूज़ है कि बच्चों के एग्ज़ाम, जैसे मैंने आपको बताया था, यूटी स्टार्ट हो गए हैं, हयात के भी यूटी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन हयात को आई फ्लू हो गया था, तो स्कूल से नोटिस आया है कि जिस बच्चों को आई फ्लू होगा वो एग्ज़ाम देने भी नहीं आएंगे, और इवन उनका एग्ज़ाम बाद में भी नहीं होगा, और साथ में जब वो स्कूल आएंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आएंगे और उन्हें एप्लीकेशन भी साथ में देने हैं। और हयात तो बहुत ज़्यादा रोने भी लगी थी कि मामा मैंने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। तो जैसे ही इंशाल्लाह हयात की आइज़ ठीक होती हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्ज़ाम वो देने ज़रूर जाएंगी, और मुझे लगता है बस उनका आज का एग्ज़ाम छूटेगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम छूटेगा, और जो उनका थर्ड एग्ज़ाम होगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उनकी आइज़ ठीक हो जाएंगी। तो बस यही क्लिप से जो मैंने आपके साथ शेयर करे, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।